हाय हाउ आर यू। होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीएमएफ फाइनल डायरेक्ट टैक्स का स्टडी मैप एंड स्टडी मैप कितना रिलेवेंट है आपके एग्जाम में, उस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सीएमएफ फाइनल डायरेक्ट टैक्स का स्टडी मैप। ये हमारा है सीएमएफ फाइनल डायरेक्ट टैक्स का स्टडी मैप, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। ये स्टडी मैट आप देखो तो यहाँ पे 50% मार्क्स आपका वेटेज है एडवांस डायरेक्ट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 एंड 20% केस एनालिसिस। ओके, थ्री पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। बट मैं आपको फर्स्टली ये बोलूंगा इस वेटेज के ऊपर तो आप बिल्कुल मत जाना, बिकॉज ये इंस्टीट्यूट ऐसा बहुत कम करती है जो अपने वेट के अकॉर्डिंग पूछ दिए। मेरे टाइम में मैंने दो बार डायरेक्ट टैक्स का पेपर दिया सीनियर फाइनल में एंड दोनों बार में एक ही बार इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का नहीं है। केस लॉ तो मेरे टाइम में आया ही नहीं, ठीक है। दो बार मैंने पेपर दिया, दोनों में से एक भी केस लॉ नहीं है। तो सेम लाइक दिस हो सकता है आपके टाइम में आया कहीं 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, ऐसे ही करके आएगा। लेकिन इस पोर्शन से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 10-15 मार्क्स बहुत आ गए इंटरनेशनल टैक्सेशन से या फिर केस स्टडी से कह रहा। तो 15 से 20 मार्क्स का वेटेज है तो 15 तक ही आ सकता है। हो सकता है कभी कभी 25 मार्क्स का भी पूछ ले, लेकिन जनरली इंटरनेशनल टैक्सेशन से इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बिकॉज जो हमारे 50% यहाँ दिया गया है इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है एंड इंस्टीट्यूट कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगी, बट वो इंपॉर्टेंट एरिया के जो क्वेश्चन है वो छोटे क्वेश्चन नहीं है। जैसे आप पीजीपी की बात कर लो तो पीजीपी के जो भी क्वेश्चन आएंगे 10 से 15 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ का जो भी क्वेश्चन आएगा 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कहीं ना कहीं उधर उन्हें वेटेज ज्यादा देना पड़ता है, इसकी वजह से इंटरनेशनल टैक्सेशन से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि स्टडी मैट के कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड उनको आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए एग्जाम में, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने उन चैप्टर्स को आपने स्किप किया। तो मैं आपको सबसे फर्स्ट बताऊंगी स्टडी मैट हमारी इनकम्प्लीट है। ये स्टडी मैट हमारी कम्प्लीट नहीं है जो सेम इंस्टीट्यूट ने दिया है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने सब कुछ एकदम शॉर्ट में दिया है। यहाँ पे काफी सारी चीजें, जैसे यहाँ पे इन्होंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डाल दिया, असेसमेंट ऑफ कंपनी डाल दिया, ट्रस्ट डाल दिया, पीजी जो भी है सब कुछ इन्होंने डाल दिया, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी। बट स्टडी मैट में कहीं भी पीजीपी का चैप्टर आपको नहीं दिया गया, कहीं भी अदर सोर्सेज का चैप्टर नहीं दिया, कहीं हाउस कीपिंग का चैप्टर नहीं दिया गया, कहीं पे भी आपको कैपिटल गेन का चैप्टर नहीं दिया। और जब भी आप वेरियस एंटिटीज का आप असेसमेंट करने जाओगे तो आप असेसमेंट करने के लिए आप उस पार्टिकुलर पर्सन का क्या कैलकुलेट करोगे, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, नेट टैक्सेबल इनकम, और इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको हेड्स ऑफ इनकम का सहारा लेना पड़ेगा जो कि इस स्टडी मैट में नहीं है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया था कि आप जो है, और बिकॉज मैं आपको बता दूं पीजी के हमारे एग्जाम में कम से कम 20 मार्क्स को आप मान के चलो, जब भी आएगा 15 से 20 मार्क्स को ये आएगा ही आएगा, 15 टू 20 मार्क्स का वेटेज डेफिनेटली रखता है। ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में पुराना सर का कॉम्पैक्ट है, ये अभी आपको अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको शेयर करूँ वीडियो सेटिंग के साथ, ये कॉम्पैक्ट है बुराना सर का, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है सर। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल गेन का चैप्टर, उसके नीचे अदर सोर्सेज, उसके नीचे पीजीपी, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। आईसीडीएस भी आप सबको पढ़ना है, तो ये डेफिनेटली कम्प्लीट है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ अमलगमेशन से रिलेटेड ये सारी टैक्सेशन ऑफ फर्म्स, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस किया है। ये सारे जो आपके इनकम बेस्ड डिडक्शन होते हैं, इसके अलावा भी आपके जो चैप्टर 6 है इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन हो गया, एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन हो गया, वो सब कुछ इसमें कम्प्लीटली डिस्कस किया गया है। आपका रिटर्न ऑफ इनकम में सारे चैप्टर्स कम्प्लीटली, अपील रिविजन है, उसके बाद इंटरेस्ट अंडर वेरियस सेक्शन 234 ABC का TDS complete, मतलब ये कंप्लीट बुक है जिससे आप क्लबिंग, सेट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम, ये सब कुछ डिस्कस किया गया हुआ। तो ये बुक जो है, ये स्टडी नोट मैं सेम क्वालिफाई करने के बाद इसको रेफर करता हूँ, बिकॉज जब भी मुझे कभी डायरेक्ट टैक्स पढ़ना पड़ता है
तो मुझे ये बुक इससे बेस्ट कोई बुक अभी तक मार्केट में है नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये बुक सीए फाइनल के लिए है, तो सीए वाले बच्चों को क्या रेफर करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये आप बताओ, इस बुक में डायरेक्ट टेक्स्ट अगर आप पढ़ने जा रहे हो, सेक्शन 45, यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 45 सब सेक्शन ऑन चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का। क्या आपके बुक में सेक्शन 45 सब सेक्शन कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपके लिए भी वही होगा, मेरे लिए भी वही होगा, कोई और पर्सन के लिए वही होगा, सबके लिए टैक्स लाइबिलिटी सेम होगा, सेम तरीके से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो सबके लिए प्रोविजंस तो सेम होंगे ना, प्रोविजंस किसी के लिए चेंज नहीं होगा। और ये डेफिनेटली आप बैक एग्जाम के आप क्वेश्चन को आप देख सकते हो, उसमें आप देखना पीजीपी मैट से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं, या तो पीजीपी आ गया तो मैट के आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, या फिर मैट आया तो पीजीपी के क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये मैट पीजीपी का क्वेश्चन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एंड जब कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको वहां पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपका सेक्शन 50C का, 50C का फेयर वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें उसके कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, तो वो क्वेश्चन जब भी आता है वहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन होता है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से रिलेटेड, और बहुत सारे अमेंडमेंट्स उसमें आते रहते हैं 50C में, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का जिक्र जरूर होता है, और आपको कहीं ना कहीं कैपिटल गेन के साथ हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आपको वहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी स्टडी मैट में काफी सारी चीजें हैं जो मिसिंग है। एंड अगर आप सिर्फ आप स्टडी मैट रेफर करोगे तो आपके पास होने के चांसेस में बहुत डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बिकॉज आपको चार हेड पढ़ने कंपलसरी है, मैट एएमटी हो गया, ये सब कुछ ये पढ़ना कंपलसरी है। तो आपको कॉम्पलेक्ट या रेफर कर लो, या फिर मार्केट में और भी बहुत सारी बुक आती है, सिंघानिया की बुक आती है, डीजे सहुजा सर की बुक आती है, आप कोई सी बुक आप रेफर कर सकते हो, डीजी सर की बुक आती है, कोई भी आप रेफर कर सकते हो, बट डेफिनेटली आपको ये सारे हेड्स करने चाहिए क्योंकि ये हेड से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सीएमए इंटरमीडिएट का बुक इसलिए रेफर नहीं कर रहा बिकॉज सीएमए इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस के लेवल पूरे लोअर लेवल पे, आप अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो शायद आपको फाइनल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज फाइनल लेवल पे जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे आपको कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी सब कुछ एक साथ मिक्सअप क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो इसलिए इंटर लेवल पे इतना ज्यादा मुझे डिफिकल्ट लेवल नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फाइनल लेवल से आप उनको रेफर करो एंड उन सब चीजों से करो। ये सारे कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आएंगे जो स्टडी मैट में दिया हुआ है, लेकिन स्टडी मैट में कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट है जो नहीं दिए हुए हैं और वो आपके एग्जाम में आएंगे, ये सब कुछ आपको इस स्टडी मैट में मिल जाएगा। और इस स्टडी मैट से बेनिफिट क्या है कि आपको चीजें याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा, बहुत आसान, बहुत मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरा जब दिसंबर में एग्जाम था, दिसंबर 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये बुक उस समय परचेज किया था नवंबर में, सर नवंबर या अक्टूबर में जब दीपावली का दिन था 2017 में, आप चेक कर लेना दीपावली किस दिन था, उससे मैंने 2 दिन पहले इस बुक को परचेज किया, बिकॉज मैंने 2 दिन पहले पुराना सर की यूट्यूब पे वो फास्ट्रैक वीडियोज उनकी मैंने देखी 10-12 वीडियोज, एंड मुझे काफी अच्छा लगा वो वीडियोज देखते, तो मैं उसी समय मैं गया मार्केट में एंड मैं कॉम्प्लीट मैंने परचेज करके लाया उस टाइम अपने टाइम, एंड देन मैंने फिर से कंप्लीट किया, 2 दिन मैंने कम्प्लीटली टाइम देखते मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट को रिवाइज किया, एंड देन आफ्टर डेट मुझे रिलाइज हुआ कि इस बुक से तो मैं काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और साथ में उनके बूस्टर्स जो वीडियोज थे बहुत हेल्पफुल थे, और डेफिनेटली मुझे बहुत सारे सेक्शंस याद हो गए, प्रोविजंस याद हो गए इस बुक की मदद से, शायद वो मैं जो और बुक में रेफर कर रहा था उससे नहीं होता। तो कहीं ना कहीं 400-500 की बुक आती है मार्केट में, फोटो कॉपी भी बुक मिल जाती है, आप फोटो कॉपी रेफर कर लो, अगर आप ओरिजिनल रेफर नहीं कर सकते हो तो, अगर आप दिल्ली में मिलो, दिल्ली में आप रहते हो तो वहाँ पे तो सब कुछ मिलता है यार, आपको जो भी बुक चाहिए, जो भी नोट्स चाहिए, जिस भी टीचर का सब कुछ मिल जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली आपको इसके लिए रेफर करना चाहिए फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो स्टडी मैट में, पहले मोस्ट चैप्टर की बात करता हूँ कि इसमें कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। तो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, बिकॉज इसमें इंडिविजुअल भी आ जाता है और आपके वेरियस अदर एंटिटीज जैसे कंपनी हो गया, फॉर्म हो गया, EOP हो गया, BUI हो गया, ये सब कुछ असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के अंदर आएंगे, यानी आपके स्टडी मैट में दिया हो या ना दिया हो आपको सब कुछ पढ़ना है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें स्पेशली अगर मैं स्टडी मैट की बात करूँ तो ये रिलीजियस ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है,
इसके अलावा पीओपी डीवाई का असेसमेंट देख लो एंड पार्टनरशिप फॉर्म का, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। यहाँ प्रेजेंटिव बेसिस का ये आपका पीजीपी का पार्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटिव दे रखा है और यहाँ पे बाकी सारे सेक्शन आपके क्या है टीडीएस के सेक्शन है। तो टीडीएस डेफिनेटली आपके किसी भी क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये किसी ना किसी क्वेश्चन के पार्ट बन के आपके साथ आ सकता है और 5 to 10 मार्क्स का हो सकता है। इससे केस स्टडी भी आता है, स्पेशली 194C का है, यहाँ पे 194C सेक्शन है टीडीएस फॉर कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, इसका जरूर आप देख लेंगे। शायद आपकी स्टडी मैट में नहीं है या है, मुझे इसका इसमें नहीं दिख रहा। 194C आप जरूर देख लेंगे, मुझे सेक्शन आता ही आता है। रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम से जो स्पेशली यहाँ पे अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल से रिलेटेड और सेक्शन 139(1), 3, 4 ये जो सेक्शन है इसके ड्यू डेट्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये सारे सेक्शन, ये सेक्शन नहीं आते हैं जनरली, हाँ ये आ सकते हैं सारे जो ऊपर वाले हो गए या फिर आपका पेलेटेड रिटर्न हो गया, रिवाइज रिटर्न हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। असेसमेंट प्रोसीजर का मैं आपको बोलूंगा डेफिनेटली ये 5 to 10 मार्क्स का आपका आ सकता है बिकॉज इसका मैंने नोटिस किया है कि जब ट्यूटर क्वेश्चन आते हैं तो ट्यूटर क्वेश्चन का एक अलग ही सेक्शन होता है 12 to 16 मार्क्स का, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन लिखने होंगे, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आपका रिटर्न और असेसमेंट दोनों वहाँ पे कवर होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन दोनों चैप्टर्स को आपको याद करना और एमसीक्यू में भी ना इसके डेट से क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज अपील एंड रिविजन का टाइम पीरियड कितना है कि आप हाई कोर्ट में कब तक जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में कब तक जा सकते हो, आप आईटीआईटी में कब तक जा सकते हो, कितने पर्सन के बेंच आपके केस को हैंडल करेगी, उन सबसे रिलेटेड आपको आ सकता है। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी आपने इंटर लेवल में पढ़ रखा था, एक बार बस टू इसमें 234A, B, C ये तीनों देख लो, और यहाँ पे अमेंडमेंट है तो आपको अमेंडमेंट तो डेफिनेटली आपको करते जाना है क्योंकि जून में पेपर हुआ नहीं, अगर जून में पेपर हुआ होता तो वहाँ पे सारे अमेंडमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, तो अभी जो भी अमेंडमेंट्स पूछे जाएंगे सारे दिसंबर में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो लास्ट ईयर के अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, सर्वे सर्च सीजर ये सब कुछ एक एक चैप्टर के अंदर कवर होता है, जो आपका असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, सर्च सर्वे हो गया, उसके बाद आपका रिटर्न्स हो गया, इन तीनों को आप लेके चलो 15 to 20 मार्क्स का। तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ टॉपिक्स को आप छोड़ भी सकते हो, कुछ को आपको कर भी सकते हो। यहाँ पे बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम लिमिट है, और जब असेसमेंट होता है तो किन किन पर्सन का असेसमेंट हो सकता है आपके साथ, और कितनी लास्ट कितने साल तक के बुक्स का आपका असेसमेंट हो सकता है, वो सारी चीजें इम्पोर्टेंट है असेसमेंट में। समन्स कब भेजा सकता है, असेसमेंट कब होगा, उससे रिलेटेड कोई टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारा चीजें आपको एक दो बार गो थ्रू करना है। रिकवरी रिफंड ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, ये सब भी मैंने बहुत ज्यादा ये सब किया नहीं था अपने टाइम। एडवांस रूलिंग देखो, एडवांस रूलिंग आप यहाँ पढ़ोगे, एडवांस रूलिंग आप जीएसटी में भी पढ़ोगे, तो एडवांस रूलिंग कहीं ना कहीं हर एक जगह सेम है ठीक है। तो एडवांस रूलिंग में सिर्फ डेट टाइम चेंज हो सकता है, थोड़ा सा लिमिट ऊपर नीचे हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम है एडवांस रूलिंग का। तो आप एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो एंड देन उसको थोड़ा बहुत बस रिवाइज करते रहो, ऐसे इतना ज्यादा आपको डिफिकल्टी जहाँ फेस नहीं करना पड़ेगा एडवांस रूलिंग में पढ़ने में। पेनाल्टी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं करने का, सिर्फ 270A है इसका पेनाल्टी आप कर लेना, ये थोड़ा एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी इतना ज्यादा पेनाल्टी एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। अमलगमेशन रीस्ट्रक्चरिंग इतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग ये सब क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल आप एक दो बार बस आप देख लोगे, इनकम टैक्स अथॉरिटी ये सब जस्ट 1 to 2 टाइम्स आपको रीड करना है, ICDS में 1 to 2 टाइम आपको बस रीड करना है, इसके अलावा इस सबका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करूँ तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपके सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सेक्शंस के साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा इंटरनेशनल टैक्सेशन में, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको आर्म लेंथ प्राइस इससे रिलेटेड जो 5 मेथड्स है आर्म लेंथ प्राइस के, वो 5 मेथड्स आपको डेफिनेटली करके जाना है एग्जाम में, बिकॉज कोई एक सभी मेथड आएगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 5 मेथड्स ठीक है। मेरा ना कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस आपको इसको डेफिनेटली करना है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में करना है, कितने टर्म के कितने
टर्म तक के लिए वैल्यू होता है, उसकी वैलिडिटी क्या होती है, वो सारी चीज से लेकर आपको सब कुछ करना है। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी होता है, तो आप उसको भी आप देख लेना, क्योंकि जो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पूछा जाता है। बात आती है केस स्टडी की, तो केस स्टडी आपको अपने स्टडी मैट से करना है। देखो जो केस स्टडी जो सी ए फाइनल के बुक में या फिर जो इस कॉम्पैक्ट में, वो केस स्टडी आपको अलग मिलेगा, और जो आपके स्टडी मैट में वो केस स्टडी अलग मिलेगा। तो जो सी एम ए जो है वो आपके स्टडी मैट की केस स्टडी पूछेगी। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि केस स्टडी आपको अपने बुक से करनी है। देन अब बताता हूँ मैं आपको इसमें क्या क्या, अगर आप कॉम्पैक्ट लेते हो तो आपको सारा कॉम्पैक्ट करना है एंड बाकी जो मैंने चैप्टर रेफर किया। अगर आप स्टडी मैट कर रहे हो तो आपको स्टडी मैट के अलावा यहाँ पे पीजीटी हो गया, मैट हो गया, पीजीटी मैट हाउस ट्रॉफी, कैपिटल गेन हो गया आपका, अदर सोर्स हो गया। ठीक है, ये हेड्स आपको सारे करने हैं, मैट करने हैं, एएमटी करना है। ठीक है, उसका 10AA करना है, ये सारा कुछ आपको इसमें से करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी मिसिंग है जो आपके स्टडी मैट में नहीं है, तो आपको सब कुछ करना है। एंड इसके साथ अगर आप, मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिस के लिए सर के कंपाइलर आप ले लो तो ज्यादा अच्छा। मेरे पास कंपाइलर भी है, मैंने लिया था खुद के लिए। एक्चुअली मैंने लिया था कि मुझे ना पढ़ने का मन कर रहा था डायरेक्टर, इसलिए मैं बुक में परचेज करते रहता हूँ। और मुझे जिस बुक से आप पढ़ चुके होते हो ना, आपको वही बुक से पढ़ने का मन करता है। बिकॉज मुझे एज ए इनकम टैक्स में प्रैक्टिस तो करना नहीं है, मुझे बस अपने बेसिक नॉलेज के लिए चाहिए। तो बेसिक नॉलेज के लिए बुक सफिशियंट है, इसलिए मैंने इस बुक को मैंने परचेज किया। बट मैंने अपने फाइनल में इसी बुक को रेफर किया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसी बुक को रेफर करते हैं। इनकम टैक्स हो गया, कंपनी लॉ हो गया, जीएसटी हो गया, इसके सेक्शन सबके लिए सेम होते हैं, तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक के साथ ही जाओ, और स्टडी मैट में क्वेश्चन भी आपको कम मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस बुक चाहिए ही चाहिए होगा। तो अगर आप बुराना सर की अगर आप बुक लेते हो तो उसमें मोर देन 300 क्वेश्चन है, और उसमें एमसीक्यू सेट्स भी आपको दे रखा है, तो आपको दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊँ डायरेक्ट टेक्स का जो लेवल होगा एग्जाम का, वो सीए का ज्यादा टफ होगा। बिकॉज डायरेक्ट टेक्स उनका कोर फील्ड है अभी तक, एंड वो कोर फील्ड होने की वजह से वहाँ पे उसका क्वेश्चन लेवल टफ मिलेगा। सीए में यहाँ पे क्वेश्चन लेवल थोड़ा उनसे ईजी आएगा, बिकॉज ये कोर फील्ड नहीं माना जाता है, इसलिए तो कहीं ना कहीं वो आपको ज्यादा वैल्यू एड करेगा। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए में ज्यादा फोकस एरिया होता है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन स्पैम किसी भी लेवल से पूछा जाता है। सेम लाइक दिस डायरेक्टेड सीए वालों के लिए अभी, तो फिलहाल जब इनकम टैक्स में जब अथॉरिटी मिलेगा उस अकॉर्डिंग हो सकता है सिलेबस और ज्यादा चेंज हो फ्यूचर में, तो फ्यूचर की बात फ्यूचर में करेंगे, अभी फिलहाल जो है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। एंड मैंने आपको सजेस्ट किया, होप सो आप मेरी बातों से आपने कुछ ना कुछ अपने डिसीजंस अपने पॉलिसीज में चेंजेस किए होंगे, एंड उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।